हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ एजुकेशन पर। और डेली करेंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने अपना साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 28 अप्रैल से 3 दिवसीय विरासत महोत्सव आयोजित कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। आंसर यहाँ से ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल 2023 को कहाँ अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च किया है? तो किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने गोदाम रसीद के बदले छोटे किसानों को वित्त देने के लिए RAG के साथ साझेदारी की है? तो हमारा बैंक हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किए गए हैं अरुण कश्यप। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं सिसिरा कांता दास को। ऑप्शन यहाँ से डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? तो हमारे शपथ लिए हैं मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पी ने। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर बन गए हैं? ये बने हुए हैं हमारे शाहीन अफरीदी बने हैं। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेंगे ऑस्ट्रेलिया देश में होगा। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह पंकज सिंह को चुना गया है। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने सोलर डेकाथलान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो IIT बॉम्बे है। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा UK। यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2023 से प्रभावी एम्बेसी REIT के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अरविंद मया को। तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के लिए
किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा हाल ही में NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है NPCI के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? तो यह थे हमारे झारखंड के थे। ऑप्शन यहाँ से डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।